आज हम एक नए डिजाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने ये देखिए 8 नंबर की सिलाई ली है। ये पायदान मैं चुन्नी से बनाऊंगी। इसके लिए हमने चुन्नी से एक इंच की पट्टी निकाल रखी है। ये देखिए, ये पायदान मैं 2 कलर से बनाऊंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले हम सिलाई पे एक नॉट लगा लेंगे। हमने नॉट लगा लिया, नॉट से एक फंदा बन गया। अब ये देखिए, इस तरह से क्रॉस कराते हुए फंदा डालना है। इस तरह से फंदा डालना बहुत ही आसान है। ये देखिए, 2 हो गया, 3। इसको मैं 26 फंदे से बनाऊंगी। तो इससे, इस कलर की पट्टी से हम इसमें 21 फंदे डाल लेंगे। ये देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये देखिए, इस कलर से हमने ये 21 फंदे डाल लिए हैं और 5 फंदे ऊपर मैं दूसरे कलर से डालूँगी। तो ये देखिए, मैंने दूसरे कलर की पट्टी ले ली है। इससे भी इसमें नॉट लगा लेंगे पहले। अब ये देखिए, एक नॉट से हो गया, 4 फंदे और डाल लेंगे। ये देखिए, 2, 3, 4, 5। एक फंदा नॉट लगा था उससे था, और 4 फंदे हमने यहाँ पे और डाल लिए हैं। अब ये देखिए, सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन करके पूरी सिलाई बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाते हैं, नहीं तो बीच में गैप आ जाएगा। ये देखिए, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ। आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये देखिए, दोनों अलग अलग हो गया है। अब इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, इस पट्टी को आगे को ले लेंगे और नीचे से इस पट्टी को इस तरह से ला करके और इससे हम बुनेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये सिलता जाएगा। जब इधर से हम आएंगे तो ये पूरी तरह से आपस में ज्वाइंट हो जाएगा। ये देखिए, अभी सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये देखिए, हमने पूरे ये बना लिया है। नीचे का ये जो फंदा है, ये हमें 3 के मल्टीपल से डालना है। जैसे हमने 3 के मल्टीपल से इसमें 21 फंदे डाले हैं, आज इसमें 24, 28, 23 कितने ही फंदे इसमें डाल सकते हो। ये जो 3 के मल्टीपल से जितना भी आपको बड़ा बनाना है। और ये फंदा, जैसे हमने ये 5 डाला, आप 6, 7, जितना बड़ा आपको यहाँ पे झलर बनाना है उस हिसाब से इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन ये नीचे के फंदे को ध्यान रखना है कि इसको 3 के मल्टीपल से डालना है। ये देखिए, अब इधर साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। इसका जो किनारा है, इसके बीच में दबा लेंगे इस तरह से, तो ये दिखेगा नहीं। ये देखिए, इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए। पूरी सिलाई बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जो हम डिजाइन बनाएंगे वो हमें सीधे साइड से बनाना है। तो ये देखिए, ये सीधा साइड है, तो यहाँ पे हम डिजाइन सीधे साइड से बनाएंगे। ये देखिए, अब इस पट्टी को पीछे को कर लेंगे। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें डिजाइन बनानी है। तो ये देखिए, अब इस पट्टी को हमें अभी आगे नहीं करना है, इसमें ये फंदा हमें उल्टा नहीं, सीधा बुनना है। ये देखिए, इस तरह से इस फंदे को हमें सीधा बना लेना है। ये देखिए, हमने ये सीधा बना लिया। अब यहाँ पे हमें जाली बनाना है। तो ये देखिए, पट्टी को अपने साइड किया और इसमें ये इस तरह से देखिए जाली बना लिया। तो ये 2 फंदे में डिजाइन बनती है। पहले एक फंदा हमें यहाँ पे सीधा बनाते हैं, फिर दूसरे फंदे में हमने जाली बना ली। अब इसको अपने साइड को करके ये 3 फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए, 3 फंदा हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे।
तो ये तीन फंदा हमें ऐसे उल्टा उल्टा बनाते जाना है। ये देखिए उल्टे साइड से कुछ भी नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से बुना हुआ है उस कलर की पट्टी से हमने बना लेना है। ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, इसको हमने उतार लिया, इसको एक साइड से हमें बनाना है। देखिए पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को अपने साइड कर लिया। ये देखिए ये जाली से हर बार फंदे बढ़ते जाएंगे। ये देखिए हमने जो जाली बनाई थी इस फंदे को भी हम बुन लेंगे इसी तरह से। ये देखिए अब इस पट्टी को आगे को कर लेंगे। ये देखिए और फिर ग्रीन कलर को ऐसे नीचे से ऊपर ला करके इस तरह से बना लेंगे तो यहाँ पे ज्वाइंट होता जाएगा। अब ये देखिए नीचे से यहाँ से हम तीन फंदा छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने इस वजह से तीन के मल्टीपल से ये फंदे डाले हैं, तो यहाँ से तीन फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए इस साइड से इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए अब हमने ये बना लिया है, अब क्या करना है इस पट्टी को हम पीछे को ले जाएंगे, लेकिन हमें इस पट्टी को आगे को नहीं लाना है। देखिए इस पट्टी को ऊपर से पीछे को ले जाएंगे और नीचे साइड से इस पट्टी को ऐसे ले आएंगे, लेकिन इसको आगे को नहीं लाना है क्योंकि हमें इस फंदे को सीधा बुनना है। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए हमने इसको यहाँ पर सीधा बना लिया, फिर वापस अपने साइड किया, फिर ये दूसरे फंदे को भी हमें सीधा बनाना है, लेकिन इसको हम इस पट्टी को हमने आगे इस वजह से किया है कि हमें यहाँ पे जाली बनानी है। तो ये देखिए इस तरह से इसको पीछे ले जा करके बुन लेंगे। तो ये देखिए ये जाली बन गई, एक जाली पहले बनी थी फिर ये जाली बन गई, फिर ये हमने जो यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ा है इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। ये जितने भी फंदे यहाँ पर बढ़ते जाएंगे इनको हमें सीधा ही बनाना है, सिर्फ ये तीन फंदे जो हैं इन्हीं को उल्टा हमें बनाना है। ये देखिए इन तीन फंदों को ही सिर्फ उल्टा बुनेंगे। ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया, इस साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है सिर्फ। ये देखिए ये जाली से जो फंदा बढ़ा हुआ है इसको भी हमें उल्टा ही बना लेना है। ये देखिए अब इस पट्टी को आगे कर लेंगे, इस पट्टी को नीचे से ला करके ऐसे बुनते जाएंगे। ये देखिए तो अब ये देखिए इसकी वजह से अब यहाँ पे जैसे सिलाई करते हैं देखिए वैसे ये जॉइंट होता जा रहा है। देखिए पहले हमने ये तीन फंदे छोड़े थे, देखिए एक दो तीन, तीन फंदा हमने पहले छोड़ा था, फिर ये तीन फंदा यहाँ पे हमने और छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। तो ये इस तरह से तीन और तीन छह फंदे ये छूट गए। ये देखिए हम ये कली के साथ झल्लर वाला पायदान बना रहे हैं, लेकिन इसमें ये झल्लर हम अलग से नहीं बना रहे हैं, इसको साथ में ही बनाते जा रहे हैं। ये देखिए अब इस पट्टी को हमने पीछे कर लिया, लेकिन इस पट्टी को हम आगे को नहीं लाएंगे। तो ये देखिए ये सीधा ही फंदा बुनेंगे। ये देखिए इस पट्टी को ऊपर से ले जाना है, नीचे से इसको ले आना है। ये देखिए हमने सीधा एक फंदा बुन लिया, फिर पट्टी को अपने साइड किया क्योंकि हमें जाली बनाना है। देखिए पहले ये दो जाली बन गई है, एक और ये देखिए दो, दो जाली बन गई है ये। अब ये तीसरी जाली बना रहे हैं और जाली से हमें फंदा बढ़ाते जाना है। ये देखिए तो इस तरह से सीधा करके ये, तो देखिए अब ये तीन फंदे बढ़ गए। ये देखिए तीन फंदे बढ़ गए क्योंकि हमारी ये तीसरी जाली बन रही है, तो ये तीन फंदे बढ़ गए। जाली से जो भी फंदे बढ़ेंगे उनको हमें सीधा ही बुनते जाना है। ये देखिए
ये देखिए, अब उल्टे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से बना है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया, तो एक, ये देखिए दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, हमने पांच फंदे डाले थे, तीन फंदा बढ़ गया तो ये आठ फंदा हो गया। अभी देखिए इस पट्टी को आगे कर लेंगे और इसको इस तरह से लेकर के बुनेंगे। देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, ये देखिए बारह फंदा हमने बुन लिया। देखिए तीन, तीन छः, तीन नौ, नौ फंदा छूट गया और ये हमने बारह फंदा बना लिया है। बारह फंदा और नौ फंदा, ये इक्कीस फंदा हो गया। अब यहीं से पलट जाएंगे, हर बार हमें ये तीन तीन फंदा ऐसे ही छोड़ते जाना है और यहाँ पे ऐसे ही जाली बनाते जाना है। उल्टे साइड से इनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए हमने इन फंदों को बुन लिया है। अब इस पट्टी को पीछे को करेंगे, लेकिन इस पट्टी को आगे की साइड नहीं ले आना है। ये देखिए इसको सीधा बुन लेंगे, फिर यहाँ पे आगे को ला करके यहाँ पे जाली बनाएंगे। ये देखिए फिर जो बढ़े हुए फंदे हैं इनको सीधा ही बुन लेंगे। जब ऊपर ये सिर्फ तीन फंदे हैं इनको ही हमें उल्टा बनाना है। ये देखिए अब उल्टे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से बना है उस कलर की पट्टी से बनाते जाना है, नीचे से हमें तीन तीन फंदा छोड़ते जाना है। देखिए पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड किया, ये देखिए अब ये बुन लिया। हम इस पट्टी को आगे करेंगे। अब इस पट्टी से हमें बुनना है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। ये नौ फंदा हमने बना लिया, तीन फंदा ये देखिए फिर हमने यहाँ पे ये तीन फंदे छोड़ दिए और यहीं से पलट जाएंगे। तीसरे से हमने एक, दो, तीन, चार बार हमने छोड़ दिया। ये देखिए इस पट्टी को पीछे को कर देंगे, इसे आगे को नहीं लाएंगे। अब इससे ये पहला फंदा सीधा बुन लेंगे, आगे को ला करके फिर जाली बनाएंगे। ये देखिए जितनी बार हम तीन तीन करके ये फंदे छोड़ेंगे उतने ही फंदे हमें यहाँ पे बढ़ा लेने हैं जाली से। जो भी फंदे बढ़ेंगे उनको हमें सीधा बुनते जाना है। ये देखिए सिर्फ इन तीन फंदों को हमें उल्टा बुनना है। इधर साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड कर लिया। ये देखिए दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये देखिए दस। पांच फंदा हमने डाला था और पांच फंदे ही बढ़ गए हैं। ये देखिए इसको आगे को करेंगे। अब इस पट्टी से बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और यहीं से पलट जाएंगे। ये तीन फंदे हम यहाँ से छोड़ के यहीं से पलट जाएंगे।
ये देखिए इसको सीधा बुन लेंगे, फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे, ये देखिए एक कली मैं आपको पूरी बना करके बता रही हूँ। ये देखिए दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह फंदे बुन लिए। ये देखिए एक दो तीन, तीन फंदा ये बुन लिया। अब ये तीन फंदा है इनको भी हम छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए देखिए एक दो तीन, ये तीन फंदा हमने बुन लिया, इसको पीछे वो कर देंगे, इस पट्टी को हमें आगे नहीं करना है। ये देखिए इससे एक फंदा बुन लिया, फिर वापस आगे वो किया, फिर जाली बना लिया। ये देखिए तो यहाँ पे दो फंदा जो रहता था तो उसे एक फंदा ये हो गया, एक जाली का हो गया, तो दो फंदा ये हो गया। वापस ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये तीन तीन करके हमारा ये देखिए 21 फंदा है। तो तीन तीन करके एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात बार ये तीन तीन करके फंदा छूटा है और सात फंदा यहाँ पे बढ़ गया। ये जितने फंदे होंगे, जितनी बार तीन तीन करके छूटेंगे उतने ही फंदे हमें यहाँ पे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए सात फंदा यहाँ पे बढ़ गया। अब ये देखिए ये तीन फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। फिर अब ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा चेंज है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। ये देखने अब यहाँ से जितने ही फंदे बढ़े हैं उनको हम बंद कर देंगे। ये देखिए दो का एक करते हुए एक फंदा घट गया, वापस सिलाई में डाला, दो घट गया, वापस सिलाई में डाला। ये देखिए तीन फंदा घट गया, वापस सिलाई में डाला। ये देखिए चौथा फंदा घट गया, वापस सिलाई में डाला। पाँच वापस सिलाई में डाला, देखिए छः, ये देखिए सात, ये देखिए सात फंदा घट गया, लेकिन छः फंदा यहाँ पे हमने घटा लिया। यहाँ से हमें कलर चेंज करना है, तो ये सातवां फंदा जो घटाना है उसमें इस कलर की पट्टी से हम इसको घटाएंगे। तो ये देखिए इसको हमने घटा लिया। ये देखिए दो, इस पट्टी को ऐसे कर लेंगे, तीन चार, क्योंकि हमें यहाँ पे नीचे भी कलर चेंज करना है। तो ये देखिए पाँच, ये पाँच फंदे जो हमने डाले थे, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच फंदे डाले थे जो हमने ये कंगूरा बनाने झलर बनाने के लिए, वो पाँच फंदे हमने ये जो नीचे कली बनाया था उस कलर की पट्टी से हमने बना लिया है, कली वाली पट्टी से हमने ये बना लिया। और नीचे ये जो कली के तीन तीन करके फंदे जो छूटे हुए हैं वो हम अब इस कलर की पट्टी से बना लेंगे, ब्राउन कलर से। जितने भी एक एक तीन तीन करके फंदे छूटे हैं इन सभी फंदों को हम बना लेंगे। तो देखिए तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, ये देखिए इक्कीस। तो हमने स्टार्टिंग में जितने फंदे डाले थे यहाँ पे नीचे
अब ये उतने ही फंदे हो गए हैं, 21 फंदे ये हो गए और 5 फंदे ये, टोटल 26 फंदे हो गए। और ये देखिए ये झल्लर एक बन गई है। अब वापस देखिए वैसे ही अब दूसरी हम बनाएंगे। तो अभी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए कली के जो 21 फंदे हैं उनको हमने बना लिया है। अब ये देखिए इसको पट्टी को पीछे ले जाएंगे ऊपर से, और नीचे से इस पट्टी को हमें आगे नहीं ले आना है। देखिए पहला फंदा सीधा बुन लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे झल्लर बनाई थी, यहाँ पे जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही पहला फंदा बुन लेंगे, फिर पट्टी को अपने साइड करके इसमें हमें जाली बनाना है। ये देखिए, और ये 3 फंदा बचा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे ये उल्टा उल्टा बनाया था वैसे ही ये 3 फंदे हमें उल्टे उल्टे बुनते जाने हैं। देखिए पट्टी को अपने साइड किया, इन 3 फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए फिर वापस जैसे हमने यहाँ पे पहला फंदा उतारा था, तो ये देखिए किनारी कितनी अच्छी बन करके आई है, बिल्कुल बराबर वैसे ही ये पहला फंदा उतारते जाएंगे। एक ये पहला फंदा हमें एक साइड से बुनना है। तो देखिए पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को अपने साइड कर लिया, इधर साइड से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। ये जो बढ़ाया है फंदा जाली से इसको ही बुन लेंगे। ये देखिए फिर ये देखिए, अब जैसे यहाँ पे 3-3 फंदा छोड़ा था वैसे ही छोड़ेंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब ये देखिए 1, 2, 3 फंदा रह गया, ये 18 फंदे हमने बुन लिए, यहीं से पलट जाएंगे, ये नीचे 3 फंदा हम छोड़ देंगे। इसी तरह से इसको हम पूरा बना लेते हैं। देखिए देखिए इन फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुन लिया है, फिर पट्टी को पीछे किया, इस पट्टी को हम आगे को नहीं लेंगे। ये देखिए इस पट्टी से हम पहला फंदा सीधा इस तरह से बुन लेंगे, फिर अपने साइड को कर लिए पट्टी को, फिर यहाँ पे जाली बना लेंगे। ये देखिए अब इस बढ़े हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे, बाकी ये 3 फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे। इसी तरह से सभी कलियाँ बनती जाएंगे। ये देखिए जब ये कली बन जाएगी तो वापस ये ब्राउन कलर ऊपर आ जाएगा झल्लर में, और ये कलर नीचे कली में आ जाएगा। तो एक कली इस कलर से हम बनाएंगे और एक कली इस कलर से। वैसे ही जब ब्राउन से कली बनेगी तो झल्लर ये ग्रीन कलर से बनेगा, और जब ब्राउन ये कली ब्राउन से बनेगी तो झल्लर जो है कि ऊपर ये ग्रीन कलर से बन जाएगा। तो ऐसे ही बना लेते हैं, आगे फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इसमें इतना 5 कली तक बना लिया है, ऐसे ही पूरी कली बन जाएगी। बनने के बाद लास्ट में सिल जाएगा। ये 3-3 फंदे छोड़ के बनाते हैं तो इसमें 18 कली बनती है। और ये देखिए कंगूरा, यहाँ पे जितनी बार हम ये फंदे छोड़ेंगे उतनी ही जाली बनेगी। ये 3-3 करके हमने 7 बार फंदे छोड़े हैं, तो ये देखिए 7 जाली बनी हुई है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखिए 7 जाली बनी हुई है। और ये जो हमने यहाँ पे उल्टे उल्टे के 3-3 फंदे बनाए हैं, आप इससे ज़्यादा ही बना सकते हो। तो इससे देखिए ये जो ये झल्लर है ये मुड़ेगी नहीं, और डिजाइन ही देखिए कितनी प्यारी आ रही है। तो अब ये देखिए ये बनने के बाद 3-3 फंदा इसमें हमें छोड़ते जाना है और ये जाली बनाते जाना है। देखिए जितनी जाली बनेगी उतने ही फंदे ये बढ़ जाएंगे।
फिर सब एक साथ हम फंदे घटा देते हैं। तो जब पायदान पूरा हो जाएगा तो दो का एक करते हुए सभी फंदे बंद कर देंगे। तो देखिए जैसे ये हम झल्लर का यहाँ पे फंदा बंद कर रहे हैं, यहाँ पे ये झल्लर का फंदा जो बंद कर रहे हैं, वैसे ही हमें ये फंदे लास्ट में ये सारे फंदे हम बंद कर देंगे। और दोनों साइड का जैसे यहाँ पे हमने फंदा डाला है ये, और जो फंदे बंद करेंगे उनको आपस में सिल देंगे। तो ये देखिए फंदा इसी तरह से बंद करेंगे जैसे ये देखिए झल्लर का हम बंद कर रहे हैं। एक फंदा बंद हुआ, इसको सिलाई में डाला, वापस एक फंदा लिया, तो ये देखिए फिर ये सिलाई में डाला, वापस आगे से एक फंदा लिया, ये देखिए इस तरह से ये तीन फंदे बंद हो गए वापस। ये देखिए इसी तरह से हमें सभी फंदे बंद कर देने होंगे। ये तो मैं आपको झल्लर का बंद करके दिखा रही हूँ, ऐसे ही जब पूरा हो जाएगा तो सभी फंदे इसमें बंद कर देने होंगे। अब ये देखिए झल्लर में ये दो दो चार दो छः फंदे रह गए हैं। तो अब हमें पांच फंदे यहाँ पे पांच फंदे रखने हैं। तो ये देखिए अब यहाँ से हम दूसरा कलर ये लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से हम जो लास्ट वाला फंदा घटाते हैं उसमें इस तरह से दूसरा फंदा लगा लेते हैं। फिर ये देखिए इस कलर से हम ऊपर झल्लर को बना लेंगे, इसको इसके बीच में दबा देंगे। तो ये देखिए हमने इतना बना दिया है, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। मैं आपको इतना ही बना करके बता रही हूँ, देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पायदान की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।